साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। सलमान खान खुद को स्टार समझते हैं, सुपरस्टार या कहें कि मेगा स्टार और सबसे बड़ा स्टारडम वाला एक्टर समझते हैं, लेकिन इस बार सलमान खान का यही स्टारडम, यही गुरूर, यही घमंड पूरी तरह से गर्त में ज्यादा दिख रहा है, क्योंकि सलमान और उसके जीजा की हालिया फिल्म अंतिम डिजास्टर साबित हुई है। पहले 3 दिन में ही फिल्म ने पूरी तरह से दम तोड़ दिया है। हालात ये हैं कि फिल्म देखकर बुराई करने वाला तक कोई नहीं है, क्योंकि कोई भी इस महाघटिया मूवी को देखना पसंद नहीं कर रहा। ऊपर से सलमान खान का टीवी शो बिग बॉस भी इस बार बुरी तरह से फ्लॉप साबित हो रहा है। अब हालात ये हैं कि सलमान खान अपने शो की टीआरपी के लिए मरे हुए सिद्धार्थ शुक्ला का इस्तेमाल कर रहा है, जिसके बाद तो सिट के फैंस सलमान खान पर भड़क गए, बिग बॉस का बायकॉट शुरू हो गया और अब सिट के घर वालों ने, सिद्धार्थ की मां ने सलमान खान की क्लास लगा दी, माफी मांगने तक की मांग कर दी। तो क्या है पूरा मामला, सब कुछ आपको बताते हैं। आप इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट करके इस पूरे मामले पर अपनी राय जरूर दें। तो सलमान खान की जो हेकड़ी है वो धीरे धीरे निकलती दिख रही है। फिल्में एक के बाद एक फ्लॉप हो रही हैं और पिछली बार की तरह इस बार भी बिग बॉस भी फेल साबित हो रहा है। पिछली बार तो राखी सावंत और बाकी के पुराने बिग बॉसियन को बुलाकर थोड़ी बहुत टीआरपी बटोर ली गई, मगर इस बार तो हालात और भी बुरे हैं। राखी सावंत को फिर से बुलाना पड़ा है, कई और भी पुराने बिग बॉस वालों को बुलाया जा रहा है और बिग बॉस का ये सीजन अब तक तो डिजास्टर ही साबित हो रहा है। टीआरपी की रेस में शो पूरी तरह से धड़ाम है, बहुत पीछे जा चुका है। अब इन सब के बीच सलमान खान ने बेहद गंदा गेम खेला, घटिया गेम खेला। बिग बॉस की टीआरपी की खातिर सिद्धार्थ शुक्ला को बीच में घसीट लिया। जी हां, सलमान ने टीआरपी के लिए सिट के नाम का इस्तेमाल किया और कहा कि सिद्धार्थ शुक्ला वन मैन आर्मी था। सिद्धार्थ और आसिम रियाज के बीच दोस्ती या फिर दुश्मनी जो भी थी वो खुलकर थी और यहाँ ऐसा उन्हें कुछ नहीं दिख रहा। सलमान ने सिद्धार्थ के सहारे बिग बॉस की टीआरपी गेन करने की कोशिश की। हालांकि सलमान के कुछ फैंस को तो ये जरूर अच्छा लगा और उन्होंने तारीफ भी की, लेकिन ज्यादातर लोग इस पर भड़क गए। सबसे पहले सिट के फैंस ने सलमान खान को खूब खरी खोटी सुनाई और कहा कि जब बिग बॉस का सीजन शुरू हुआ तो तब सिद्धार्थ को ट्रिब्यूट देने के लिए उसका नाम तक नहीं लिया गया, उसका जिक्र तक नहीं किया गया, लेकिन अब टीआरपी की खातिर, शो को आगे बढ़ाने के खातिर सलमान खान उसी सिद्धार्थ शुक्ला का इस्तेमाल कर रहे हैं और ये बेहद ही घटिया बर्ताव है। सिद्धार्थ के फैंस ने आगे कहा कि सलमान खान की ये बेहद ही गिरी हुई हरकत है, ये माफ नहीं की जा सकती है। वहीं अब सिद्धार्थ के घर से भी इस पर सवाल उठ रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक सिद्धार्थ शुक्ला की मां रीता शुक्ला ने सलमान खान की इस ओछी हरकत पर माफी मांगने की मांग की है। जी हां, सूत्रों के मुताबिक रीता शुक्ला को अपने बेटे का नाम इसमें ऐसे घसीटना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा है। रीता शुक्ला ने कहा कि जब जरूरत हुई तो सलमान ने कभी भी सिद्धार्थ का साथ नहीं दिया, सहयोग नहीं किया, लेकिन अब अपने शो को चमकाने के लिए, अपने शो की टीआरपी बढ़ाने के लिए मेरे बेटे यानी कि सिद्धार्थ शुक्ला का नाम ले रहा है, इससे ज्यादा घटियापन उन्होंने कभी नहीं देखा। यानी कुल मिलाकर सलमान खान अपने ही दांव में बुरी तरह से फंस गए हैं। सलमान पर सिट के फैंस बुरी तरह से हमलावर हैं, तो सिट की मां ने भी सलमान खान पर, सलमान के एटीट्यूड पर, अंदाज पर सवाल खड़े कर दिए। अब हम तो सिर्फ इतना ही कहेंगे कि सलमान को अब समझ ही जाना चाहिए कि अब उनकी उम्र हो चली है और अब OTT का दौर है, लोगों को कंटेंट बेस्ड शोज की जरूरत है और कंटेंट वाली फिल्मों की ही लोगों को जरूरत है। बेसिर पैर की कहानी, बिना बात के एक्शन, गाना धमाना लोगों को पसंद आता, लोगों को कहानी चाहिए और ऐसी कहानी जिसमें दम हो। तो कुल मिलाकर सलमान खान को हर तरफ से धो दिया गया है और लोग यहां तक कि बिग बॉस का बायकॉट तक करने लगे हैं। तो आपका इस पूरे मामले पर क्या कहना है, कमेंट करके आप भी जरूर बताएं सलमान के इस पूरे मामले पर और वीडियो को शेयर भी करें। 2 सितंबर के दिन सुबह सुबह खबर आई कि सिद्धार्थ शुक्ला ने दुनिया छोड़ दी, सिद्धार्थ का निधन हो गया, जिसके बाद तो फैंस के साथ परिवार पर भी दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। सबसे ज्यादा शहनाज गिल और सिट की मां परेशान रही और हर पल यही दुआ करती रही कि कैसे भी सिद्धार्थ वापस आ जाएं।
हालांकि ये हो नहीं सकता था क्योंकि सिद्धार्थ ने दुनिया छोड़ दी थी, मगर अब करीब 3 महीने बाद यही चमत्कार होने वाला है। जी हाँ, और चमत्कार भी ऐसा कि खुद सिद्धार्थ शुक्ला सबके सामने फिर से होंगे। इसके लिए तारीख भी तय हो गई है, समय भी तय हो गया। अब इस चमत्कार के बारे में जब परिवार को पता लगा, शहनाज गिल को पता लगा, तो वो खुद भी हैरान हो गए। उन्हें भी यकीन नहीं हुआ कि सिद्धार्थ उनके बीच में एक बार फिर से होगा, और इसीलिए इसके लिए बड़ी तैयारी कर ली गई है। असल में सिद्धार्थ शुक्ला अपनी जिंदगी में हमेशा ही सरप्राइज देने वाले माने जाते रहे। सेट का म्यूजिक को लेकर भी खासा रुझान रहा, म्यूजिक को लेकर उनकी पसंद हमेशा यादगार रही। सिद्धार्थ शुक्ला ने अपने जीते जी एक रैप रिकॉर्ड करवाया था। जी हाँ, इस रैप सॉन्ग के बारे में ना तो परिवार को पता था और ना ही शहनाज गिल को। सिद्धार्थ के जाने के बाद रिकॉर्डिंग स्टूडियो से उनको पता चला कि सिद्धार्थ ने एक रैप रिकॉर्ड करवाया है, तो उसके बाद तो वो हैरान हो गए क्योंकि सिद्धार्थ का ये रूप बिल्कुल अलग था। बस फिर क्या था, फिर तो एक बार फिर से सबके बीच सिद्धार्थ को लाने की तैयारी शुरू हो गई। सेट के उस रैप को लाने की तैयारी शुरू हो गई। इस रैप को एक वीडियो के रूप में बनाया जा रहा है, हालांकि ये वीडियो लिरिकल होगा और इसमें सिद्धार्थ को ही रखा जाएगा, मगर साथ ही साथ इसे मेगा लेवल पर तैयार किया गया है। खुद शहनाज गिल ने साथ में बैठकर इस वीडियो को एडिट करवाया है और पूरी कोशिश है कि ये सॉन्ग सिद्धार्थ को शानदार ट्रिब्यूट हो और ऐसा लगे कि सिड फिर से हमारे बीच है, सिद्धार्थ फिर से वापस आ गया है। ये सोलो सॉन्ग है, इसमें सिर्फ सिद्धार्थ शुक्ला को दिखाया जाएगा और सिड के जन्मदिन पर 12 दिसंबर को, जी हाँ 12 दिसंबर को ये वीडियो रिलीज किया जाएगा, सिड का ये रैप सॉन्ग रिलीज होगा। इसे लेकर सिट का परिवार, उनके फैंस, उनको पसंद करने वाला हर शख्स, हर करीबी इंतजार कर रहा है। सभी को 12 दिसंबर को फिर से सिद्धार्थ शुक्ला के वापस आने का इंतजार है, क्योंकि इस रैप के साथ हम सबके बीच में एक बार फिर से सिद्धार्थ शुक्ला होंगे और सिद्धार्थ का यही रूप पहली बार सबके सामने होगा, जिससे सिद्धार्थ शुक्ला को आगे भी सालों साल तक याद रखा जा सकेगा। तो कुल मिलाकर इंतजार है 12 दिसंबर का, काउंटडाउन शुरू हो गया है। बस बेकरारी इसी बात की है कि कैसा होगा सिट का ये रैप और कैसी होगी सिद्धार्थ शुक्ला की हम सबके बीच में वापसी। तो आपका सिद्धार्थ शुक्ला को लेकर, सिट के इस रैप को लेकर क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें। तो सुशांत सिंह राजपूत को लेकर जो नया खुलासा हुआ है वो बेहद ही चौंकाने वाला है, और सबसे बड़ी बात यह है कि ये खुलासा, ये दावा केंद्रीय मंत्री ने किया है और इसलिए भी इस पर भरोसा ज्यादा बढ़ रहा है। सुशांत को लेकर बाथरूम थ्योरी की जो बात सामने आई है उसके मुताबिक पहले सुशांत को बाथरूम में मारा गया और फिर बाथरूम से 4 लोग सुशांत को घसीटकर बेडरूम तक लेकर आए और फिर इस दौरान सुशांत के साथ मारपीट भी की गई, उसका पैर तक तोड़ दिया गया और फिर किसी को कुछ ना पता चले इसके लिए पंखे से लटकाने का पूरा प्लान बना लिया। ये सब कुछ केंद्रीय मंत्री नारायण राणे ने खुलासे किए हैं, और यही नहीं, राणे अब उन 4 लोगों के नाम भी बताने को तैयार हो गए हैं। अब वो नाम भी आपको बताएंगे, लेकिन पहले देखिए कि सीबीआई को लेकर क्या खबर है। तो सूत्रों के मुताबिक बड़ी खबर यह है कि सीबीआई ने नारायण राणे से संपर्क किया है और नारायण राणे के इस मामले में बयान दर्ज कराए जा सकते हैं। जी हाँ, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं सुशांत सिंह राजपूत के केस में, क्योंकि इसके लिए तारीख भी करीब करीब तय हो गई है। दिसंबर के पहले पखवाड़े में नारायण राणे से इसे लेकर बातचीत हो सकती है और नारायण राणे सीबीआई के सामने बयान अपना दर्ज करा सकते हैं। पहले भी राणे ने कई तरह के आरोप सुशांत सिंह राजपूत के केस में, दिशा सालियान के केस में लगाए थे, मगर तब राणे के पास पुख्ता सबूत नहीं थे, पुख्ता गवाह नहीं थे। मगर इस बार नारायण राणे का कहना है कि पुख्ता सबूतों के साथ वो आए हैं और 4 लोगों के नाम बताने को भी तैयार हैं। अब आगे बढ़ने से पहले आपको बड़ी बात बता दें कि पहले भी नारायण राणे ने सुशांत को लेकर बयान दिए थे, लेकिन तब राणे सिर्फ एक बीजेपी नेता थे, लेकिन अब राणे केंद्र सरकार में, मोदी सरकार में मंत्री हैं, कैबिनेट मंत्री हैं, और उनके हर बयान के मायने होते हैं। और अगर केंद्रीय मंत्री किसी मामले पर सबूत देने की, सबूत होने की, गवाह होने की बात कहता है, किसी मामले पर गवाहों को सामने लाने की बात कहता है, या फिर कोई खुलासा करता है, कोई बड़ी बात बोलता है, तो फिर राणे की बातों को सुनना, समझना और जानना बेहद जरूरी है, क्योंकि केंद्रीय मंत्री ऐसे ही कुछ भी नहीं बोल सकता। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।